उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह धर्मांतरण का खेल पर्दे के पीछे लगातार चल रहा है। पुलिस कुछ लोगों की सूचना पर बीते दिन ईसी रोड पहुंची और एक घर में दबिश दी, जहां पर 50 से 60 लोग धर्मांतरण के खेल में लगे थे। पुलिस कई लोगों को उठाकर आरागढ़ चौकी ले आई और पूछताछ की। हालांकि पकड़े गए लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि वो लोग खुद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके प्रार्थना के लिए आए थे। कुछ भी नहीं है, हम लोग बस दुआ प्रार्थना के लिए यहाँ पे आते हैं और चंगाई पाने के लिए आते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोगों ने झूठ फूस के अफवाह उड़ा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर से तो मैं लगभग 3-4 महीने से आ रही हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि धर्म बदल रहे हैं, ऐसा पैसे दे के कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे लोग उड़ा रखे ना कि हाँ पैसे नहीं मिल रहे धर्म बदलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस हम लोग दुआ प्रार्थना के लिए आते हैं और चंगाई पाने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? अनिला। अनिला, कब से आप क्रिश्चियन बने? क्रिश्चियन मैं अभी 1 महीने हुआ है, 1 महीने हुआ है। और जैसे कहते हैं ना कि धर्म बदलने से पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से वो मैंने वो करा है। आपने धर्म परिवर्तन, पहले हिंदू रहे होंगे तो पहले हिंदू थे आप? हाँ हिंदू थे। तो इसके पीछे क्या हुआ, क्या ऐसा बचा है? इसके पैसे बहुत बजे थे, मैं बहुत बीमार थी और मुझे कहीं से भी शांति भी नहीं मिलती थी और कहीं से भी मुझे चंगाई भी नहीं मिलती थी। अब जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ, यीशु मसीह को जानी हूँ, अब मैं यहाँ आने लगी हूँ, तब से मुझे हर बीमारी तकलीफ सब कुछ दूर हो गए हैं और शांति भी मिलती है। कभी आर्थिक सहयोग या जमीन का ऐसा कभी? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग कि पैसे के लालच में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पैसे के लालच से आ रहे, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। आपके घर से और भी लोग हुए? आप अकेले? मैं अकेली हूँ। घर वाले जानते हैं क्या? हाँ, मेरे घर वाले को सबको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा सबको पता है, पूरा फैमिली को पता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 30-40 लोगों को परिवर्तन कराने के लिए लाया गया था, कुछ पैसे और ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ उसके अफवाह उड़ा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लोग बस अफवाह उड़ा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। हम लोग बस दुआ प्रार्थना के लिए आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लगातार कई दिन से यहाँ पर चर्च चलाई जा रही है, लगभग 1 साल से सूचना मिल रही थी। लेकिन हमने कहा कई कीर्तन होता है, आदमी हम भी भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन बड़ी घटना तो तब घटी जब यहाँ पर ईसाई बनाने का काम लगातार हर महीने, जो कि 3, अभी मेरे व्यक्ति से बात हुई, उसे कह रहे कि 3 महीने हर साल लगातार आ जा और तेरे बच्चों की फीस हम भी को फ्री कर देंगे। ये धर्मांतरण जो सेवा की आड़ में षड्यंत्र रचा जा रहा है ईसाइयों द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। और यहाँ पर अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10 साल की सजा का प्रोविजन किया गया, उससे भी न डर के उसको भी ताक पर रख करके यहाँ पर जो ईसाई बनाने का काम चल रहा है वो निंदनीय है। उसको हम कहते हैं इस देवभूमि में धर्मांतरण जैसी घटना को अंजाम नहीं देने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कोई ऐसा है जिसका अभी धर्मांतरण करा हो, किसी को परिचय? एक व्यक्ति को बुलाया, इन्होंने बाहर तख्त बैठा लिया, उसको कहा कि थोड़ी देर तू रुक जा, अभी जब भीड़ कम हो जाएगी तो तेरे को कुछ पानी वानी की बात कर रहे थे, पानी पिलाएंगे, उसके बाद से उससे सब बातें तय हो चुकी थी इनकी, और तेरे बच्चे की फीस और तुझे कहीं ना कहीं जगह की भी मुझे लगता है बात शायद इनकी हुई है। पैसे का भी कोई लालच? पैसे की बात हुई है भाई साहब, मैं लालच की बात बता ही रहा हूँ। लिखवा रखा है, हिंदू हैं, यहीं के हैं और यहीं रहेंगे हम, यहाँ के लिए जान भी दे देंगे और मिट भी जाएंगे, बाकी लोग क्या कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप लोगों को क्यों पुलिस यहाँ पकड़ के? देखिए, ये भैया लोगों का पता नहीं क्या इंटेंशन है, क्या भैया को गलत इन्फॉर्मेशन मिली क्या नहीं मिली मुझे नहीं पता सर। मैं अपने घर में आराम से अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ संगति कर रहा था, बाकी कुछ लोग आए, उन्होंने नारेबाजी लगाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सर ले आए, हम आ गए, हम आ गए। आप यहाँ क्यों लाए? हल्ला मच रहा था नीचे, खड़े हुए लोग हल्ला मचा रहे थे, हल्ला मचाते हमें लिया है। अच्छा, क्या ये क्रिश्चियन हिंदुओं को प्रलोभन देकर, जमीन और पैसे देकर क्रिश्चियन बनाने की कोई सर देखिए पिछले आप मेरे को 37 साल मुझे जन्म लिए हो गए हैं, बहुत समय से आप भी हैं, मेरे बड़े लोग हैं, कितने लोग आज आपको बताइए, कितने लोग आपके पास आए पैसा लेके, या कितने लोग पैसा लेके आज, जो आज पैसा लेके आज हिंदू से क्रिश्चियन बनना है, कल को पैसा लेके वो तो कुछ भी बन देगा। ऐसे लोग तो घातक है हमारे देश के लिए और बहुत घातक हैं। सरकार ने जो कदम उठाया, हम साथ हैं सरकार के, क्योंकि सरकार से हम भी हैं, हमने सरकार को वोट दिया है, सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, क्योंकि सरकार अच्छी होगी तो हमारा देश अच्छा होगा, अधिकारी अच्छे होंगे तो हमारा न्याय अच्छा होगा। गलत आरोप लगाया गया, बिल्कुल बेबुनियाद लगाया गया है सर।
वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर काफी दिनों से लोगों का आना जाना था और ये लोग धर्म परिवर्तन के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। ये लोग काफी समय से धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि देवभूमि में इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग इस तरह के खेल में शामिल हैं, उन्हें बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की कि इस तरह के लोगों को चिन्हित कर दंडित करें। चौकी आरा घर पे एक व्यक्ति आए थे जिनके द्वारा कंप्लेंट की गई कि वो एक प्रार्थना सभा में किसी व्यक्ति के कहने पर एक प्रार्थना सभा अटेंड करने गए थे और जहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और साथ में उनको प्रलोभन देकर के धर्मांतरण की बात उन्होंने बताई है। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया।